नंदई थाना क्षेत्र के लावाही कला गांव निवासी 20 वर्षीय एक मजदूर की महाराष्ट्र में मौत हो गई, जिसका शव 3 दिन बाद बुधवार को लावाही कला गांव मृतक के घर लाया गया। घर पर शव आते ही परिजनों व टोला वासियों में कोहराम मच गया, लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लावाही कला के हुकवा पत्थर टोला निवासी बिहारी साव का 20 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार करीब 1.5 माह पहले महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडा थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करने गया था और वह बेल्डर का काम करता था। दुर्गा पूजा के बाद रविवार शाम को रुपेश करीब 9:30 बजे रात्रि में फोन से बात करते हुए अपने कमरे से और फिर कमरे पर वापस नहीं लौटा। उसके साथियों के द्वारा सुबह खोजबीन के दौरान काम कर रहे प्लांट में ही उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद टेलीफोनिक माध्यम से ठेकेदार भावनाथपुर निवासी दीपक ठाकुर के द्वारा मृतक के सगे संबंधी परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और अपने कर्मियों के साथ उसके शव को एम्बुलेंस के माध्यम से लावाही भेजा गया। गाँव में ग्रामीणों ने रुपेश की हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी और फैक्ट्री स्थापित नहीं है, लोग यहां काफ़ी बेरोजगार हैं, इसलिए बाहर के राज्यों में मजदूरी का काम करने जाया करते हैं और उधर से शव ही लौटता है। रंजन कुमार पासवान की रिपोर्ट। मैया बाबू हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर, हमारे पास है आधुनिक सुविधाओं के साथ अनुभवी डॉक्टर और नर्स। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ओपीडी, आईपीडी, लैब, वेंटिलेटर, हाईटेक, ओटी, डायलिसिस, हाईटेक आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है पांकी रोड डाल्टनगंज, मेन रोड चैनपुर, शिव मंदिर धर्मपुर लातेहार और नियर भगत सिंह चौक बरवाड़ी। 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें